ओह हेलो, तुम वाकई सुंदर हो। क्या बात है मेरे अजीज दोस्त। हेलो, कैसे हो? हेलो जॉय, पता है तुम कितनी अजीब लग रही हो? ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? तुम्हारा मतलब ये चश्मा? क्या है कि लड़के ज्यादातर इस तरह का लुक पसंद करते हैं। मेरा मतलब बुद्धिमान लगते हैं, इससे एग्जाम्स में जल्दी पास हो जाते हैं। पर डार्लिंग, तुम तो चश्मा नहीं पहनती हो ना? मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ सादा चश्मा है। तुम्हें नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम मेंढक की तरह देखना चाहती हो तो सच कह रहे हो साइमन। अब रहने भी दो, चलो एग्जाम देने चलते हैं। मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। ये सर हमें पोस्टमार्टम के बाद मिला। इस आदमी की उम्र 70 थी। इसमें खास बात क्या लग रही है? इसका दिमाग सर। वो तो है। तो बोलो। मैंने तो आमतौर पर होने वाले बदलाव पर ध्यान दिया है सर। तुम कहना चाहते हो ये बदलाव अनयूजुअल है? नहीं सर, देखा जाए तो ये मरीज पागल था, ऊपर से 70 साल का। अरे ये तो होना ही था। और मैं खुद 76 का हो जाऊंगा अगले जन्मदिन पर। शुक्रिया मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मेरी उम्र हो चुकी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। ओह, ये तो लड़की है जी। तुम मुझे औरों से ज्यादा होशियार लग रही हो। डॉक्टर और लिपस्टिक का मेल नहीं होता। यहाँ और देखकर मुझे बताओ कि ये क्या है। हाँ देखो। ब्लड के वेसल्स। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। आओ ना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है लड़की, आओ। जी सर। ओ मेरा चश्मा ले आओ तुम, जरा वहां टेबल पर रखा है। अब जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मेरा चश्मा मुझे दोगी प्लीज? ओह माफ कीजिएगा। शक्लें कभी कभी धोखा दे जाती हैं कि नहीं? अब तुम जाओ, दूसरे को अंदर भेज दो। तुम लोग इतने परेशान क्यों रहे हो? ये तो बहुत आसान है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आई एम सॉरी सर। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। जी सर। मुझे यकीन था कि एक अच्छा डॉक्टर कभी शक्ल नहीं भूलता। लेकिन डॉक्टर्स तो शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं सर। तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें यह जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाऊं तो? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा सर। तुम खुद भी तो डॉक्टर हो। जी सर, सॉरी सर। आपकी नाक बज रही है सर, मैं जोर से सांस ले रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं पतली गली से निकल लूंगा। बेवकूफ लोग क्या जमीन पर सिर्फ सोया ही करते हैं? क्यों नहीं, बेचारे थककर सो जाते होंगे। ओहो बात ये नहीं है, मैं जमीन पर लेटा हूं लेकिन सोया नहीं हूं। क्या मर गए सर? मुझे नहीं पता, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। ओह तो क्या तुम अंडरटेकर को फोन करोगे? बोलो क्या करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं आपकी जांच करूंगा, दिल की धड़कन सुनूंगा। मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। समस्या तो है, जरा पल्स देखूं। मेरी पल्स बिल्कुल सही है और ना ही मेरी कोई हड्डी टूटी है। तब तो मुझे चिंता नहीं है सर। इस मामले में मैं आपको कंबल में लपेट दूंगा और एम्बुलेंस को बुला लूंगा। मतलब तब तक तुम मुझे इस ठंडी और गंदी जमीन पर ही लिटा कर रखोगे जबकि मेरी पीठ में दर्द है, उस सड़ी से पुरानी कंबल में जिसमें बिल्ली ने बच्चे दिए थे। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे उठाने की कोशिश भी नहीं करोगे क्या? ऐसा करने से क्या मैं खुद भी गिर जाऊंगा सर, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उठाने की कोशिश करो, क्या तुमने स्काउट्स में नहीं सीखा? माफ कीजिए, वहां पर इतने मोटे लोग नहीं होते हैं और मैं स्काउट्स में था ही नहीं सर। ठीक है, कोशिश तो करो, देखो तुम क्या कर सकते हो। जी सर। कोशिश करो, कोशिश। सॉरी सर। क्या हुआ? क्या सर लैंसलॉट मर गए हैं? सर लैंसलॉट मरे नहीं हैं और ना ही तुम एग्जाम में पास हुए हो।